हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको बोला था, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी एग्जाम नोटिफिकेशन या किसी भी तरह का नोटिफिकेशन, इम्पीटस आपको प्रॉपर गाइड करता है। आपने ये नोटिफिकेशन तो सुन लिया था, मुझसे पहले भी मैंने बोला था, हैदराबाद ने अपनी साइट पे डिक्लेयर कर दिया और हैदराबाद का नोटिफिकेशन आ गया। पर आज जब नोटिफिकेशन आया तो कुछ जो क्वेश्चन बच्चों के थे, कल रात को ही आ गया था नोटिफिकेशन, तो जो जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मैं ध्यान से आपके कवर करूंगा और आप लोगों के भेजे हुए क्वेश्चन को ही कवर करने वाला हूं। क्योंकि आपका क्वेश्चन ये कि सर हैदराबाद में किस रैंक तक मिलेगा, एनआईटी अगरतला और हैदराबाद में कौन सा अच्छा है, या एनआईटी रायपुर या हैदराबाद में कौन सा अच्छा है, जमशेदपुर छोड़ के ले लें, ये सारी चीजें बताता हूं। और बहुत ध्यान से सुनिएगा सेशन को एंड तक, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। दूसरी बात, जो लोग निमसेट में जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है, अगर वो कॉलेज को लेने वाले हैं, वो लोग ध्यान रखें कि आप लोगों को अगर कॉलेज लेना है तो आपको पार्शियल फी पे करना है, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपने फी पे नहीं की तो आपके हाथ से चली जाएगी। स्पॉट राउंड का प्रोसेस ये होता है, स्पॉट राउंड का मतलब होता है कि जब ये थर्ड राउंड के बाद जितनी सीट फिल हुई है, फिर जिस जिस कॉलेज में जो सीट बचेंगी उनके लिए स्पॉट राउंड होगा। पर यह एक बहुत ही रिस्क होता है, क्योंकि कुछ बच्चों ने क्या हुआ था कि फर्स्ट राउंड में फी भरी नहीं थी और फी नहीं भरने के वजह से उनको कॉलेज जो अलॉट हुआ था वो उनके हाथ से चला गया, जो कि स्पॉट राउंड में वेट कर रहे हैं और जिनकी रैंक अच्छी थी। तो उसको स्पेशल राउंड या स्पॉट राउंड जिसे हम बोलते हैं, तो इस स्पेशल राउंड के चक्कर में ऐसा ना हो, क्योंकि अगर उनकी जिनकी रैंक टॉप पे थी और उनने भी अप्लाई करेंगे स्पेशल राउंड में और आप भी करोगे स्पेशल राउंड में, हो सकता है आपके हाथ में जो आज है वो भी चला जाए। तो मेरा पर्सनली सजेशन होगा कि जो आपको अगर कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप लॉक कर दें और पार्शियल फी जो बोल रहे हैं वो पे कर दीजिए बिफोर 1st ऑफ अगस्त। और जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनको स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और किस रैंक तक करना चाहिए कि जो जहां पे रैंक क्लोजिंग है उसके आसपास के रैंक वाले बच्चे करेंगे तो थोड़े बहुत चांस होते हैं। पर अब जैसे एक बच्चा मुझसे पूछे कि सर ओबीसी में 1000 रैंक है, तो मैं बोलूंगा नहीं है चांस। या मैं कोई बच्चा बोले जनरल की 700 रैंक है, तो मैं बोलूंगा चांस नहीं है। एससी में कोई बोले कि 3000 रैंक है, तो मैं बोलूंगा हो सकता चांस हो। एसटी में कोई बोले तो हो सकता चांस हो, डिपेंड ऑन। चलिए अब बात करते हैं वापस हैदराबाद यूनिवर्सिटी की। तो अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने क्या नोटिफिकेशन दिया है और आपके क्या क्या डाउट्स हैं वो बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिन्होंने निमसेट एग्जाम दिया था और निमसेट की उनके पास रैंक कार्ड है। यानी केवल निमसेट के स्टूडेंट ही इसके लिए एलिजिबल है, इसलिए मैंने निमसेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके क्या सर्च करना है, क्योंकि कई लोग मुझे सुबह से पूछे सर वो सर्च कहां पे करना, देखना कहां पे। तो सबसे पहले जाके आप गूगल पे सर्च करिएगा हैदराबाद यूनिवर्सिटी। जैसे ही हैदराबाद यूनिवर्सिटी करेंगे तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद लिखा आएगा, इसको क्लिक करिएगा। इसको क्लिक करने पर आपको इस तरह का एक पेज दिखेगा, ये पेज दिखेगा। इस पेज पर आप जाएंगे तो एडमिशन ओपन पे क्लिक करिएगा। जैसे ही एडमिशन ओपन पे क्लिक करेंगे आपको ये एक पेज दिखेगा और दिखेगा एमसीए प्रोग्राम 2020 ऑनलाइन एप्लीकेशन, एमसीए प्रोग्राम 2020 ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक पेज खुलेगा। अब मेरी बातें ध्यान से सुनिए, सबसे पहले और बेसिक मूल मुद्दे की बात कि बहुत सारे लोग जिनकी रैंक 4000 है, जिनकी रैंक 3000 है, जिनकी रैंक 2000 है, सबको लग रहा है हैदराबाद यूनिवर्सिटी मिलने वाला है। पहले सुन लीजिए कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इंटेक कितना है, उसके बाद आप लोग समझ पाएंगे। दूसरा, मुझे आज सबसे ज्यादा बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि सर एनआईटी रायपुर या हैदराबाद, एनआईटी अगरतला या हैदराबाद। मैं पहले आपको पिक्चर क्लियर कर दूं, हैदराबाद एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, 100% के आसपास प्लेसमेंट है। कोई भी बच्चा शायद ही हो जिसका प्लेसमेंट नहीं होता। ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट जाता है 6 से 7 लाख के बीच में, 5 से 7 मान सकते हैं, और हाईएस्ट अभी जो हम देख रहे हैं तो 14 से 16 लाख के बीच में गया है। प्लेसमेंट होगा, यूनिवर्सिटी अच्छी। पर हम इंटेक को समझे, क्योंकि बिना इंटेक के समझे आप समझ नहीं पाएंगे। जनरल की केवल और केवल 16 सीट है, 16, 16। यानी पहले जो 16 बच्चे अप्लाई करेंगे उनको मिलेगा। तो जिन बच्चों ने मुझे बोला कि सर हमारे को एनआईटी रायपुर अलॉट हुआ है, क्या हम हैदराबाद ले ले, अगरतला हुआ है हैदराबाद ले ले, भाई ले सकते हो पर आपके हाथ में नहीं है। तो आपको पहले समझना है। तो जनरल की 16 सीट है, एससी की 6 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 11 है, EWS की 4 है, ये मिला के होता है 40। और दो स्पेशल सीट है फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए, पीएच और पीडब्ल्यूडी के लिए दो है स्पेशल सीट है। इस तरह से इसका टोटल इंटेक है 42। तो बी केयरफुल, बी केयरफुल। किस रैंक के बच्चों के हाईएस्ट चांस है मैं आपको बता दूं, 450 से 550 के बीच वाले बच्चे भी इसके लिए अप्लाई करने वाले बाई चांस, जिनने निमसेट के फर्स्ट राउंड में फी नहीं भरी थी वो भी अप्लाई करने वाले। ऐसे में अगर आपके हाथ में आज एनआईटी रायपुर है या आपके हाथ में आज एनआईटी अगरतला है और आप उसको छोड़ के यहां आते हैं, हो सकता है मिल जाए,
पर हो सकता है ना भी मिले क्योंकि केवल 16 सीट हैं। तो ऐसे में मैं आपको बोलूंगा बी केयरफुल, आप अप्लाई करें, आप एनआईटी लॉक कर दें, उसके बाद आप अप्लाई करें तो भी चलेगा। और अप्लाई करने के लिए क्या रूल है बता रहा हूं कि अगर जनरल वाला बच्चा अप्लाई करेगा तो उसको 600 रुपीज की फी देनी होगी जो नॉन रिफंडेबल है। ईडब्ल्यूएस वाला कोई बच्चा अप्लाई करेगा तो उसको 550 देनी होगी। ओबीसी वाला कोई करेगा तो उसको 400, एससी एसटी और पीएच वाले करेंगे तो 275। एक और बात, मैं जो बता रहा हूं सब देख के बता रहा हूं, पर आप भी पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद ही इसके लिए अप्लाई करें। और अप्लाइंग डेट है 27 से स्टार्ट हुई है और लास्ट डेट है 10 अगस्त। अब सोचिए कि आपने एनआईटी हैदराबाद के भरोसे छोड़ दिया तो 10 अगस्त तक तो बच्चे अप्लाई करेंगे, उसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी फर्स्ट लिस्ट निकालेगी कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है उसमें जो टॉप रैंकर हैं, पहले टॉप 16 को जो रैंक होगी, जो भी रैंक, मान लीजिए कि एक 300 रैंक वाले बच्चे ने करा है, एक 350 मान लीजिए एक एग्जांपल, और एक 357, तो जो 300 रैंक वाला बच्चा है उसको फर्स्ट सीट अलॉट हो जाएगी, जो 350 वाला सेकंड, मान लीजिए उसके, या मान लो पहले ही बच्चा 500 रैंक वाला तो उसको फर्स्ट सीट। तो ये सब मैट्रिक्स डिपेंड करेगा अप्लाई करने वाले बच्चों पर। तो पहले 16 जनरल वालों को, और साथ में वो कुछ वेटिंग लिस्ट भी देते हैं क्योंकि जो बच्चे एनआईटी ले चुके होते हैं कई बार वो एनआईटी छोड़ते नहीं। एक और क्वेश्चन होता है हर बच्चे का कि सर एनआईटी रायपुर अच्छा है या हैदराबाद, या अगरतला अच्छा है या हैदराबाद। में पहले एक बात क्लियर कर दूं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट है पर एनआईटी की टैगिंग वैल्यू भी बहुत होती है, यानी अगर आप एनआईटी रायपुर या एनआईटी अगरतला में भी है तो कोई आपको लॉस नहीं होने वाला है। एनआईटी इटसेल्फ अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि 12th के बाद बच्चे आईआईटी मेंस के थ्रू एनआईटी में जाते हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा कि एनआईटी टैग का वैल्यू आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा कंपेयर टू यूनिवर्सिटी। ऐसे में आप ऐसी रिस्क ना लें तो अच्छा है, बाकी डिसीजन इज योर हैंड। इन जनरल अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर कहां तक के चांस है, तो मैं बोलूंगा जनरल में 500 से 550 के बीच में क्लोज हो सकता है, पर 650 तक भी जा सकता है डिपेंड ऑन अप्लाइंग। पर अगर कोई 700 750 800 जनरल वाला सोच रहा है तो मैं कहूंगा कि ये आप सोच सकते हो, चांसेस कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास तो जो मैसेज है वो 4000 रैंक वालों तक के। फिर एससी में 6 है पर एससी में 2-3000 रैंक पे भी जा सकता है, डिपेंड करता है। एससी वालों को मैं बोलूंगा अप्लाई करना चाहिए, एसटी वालों को भी बोलूंगा अप्लाई करना चाहिए जो भी रैंक है 2-3000 4000 तक। ओबीसी में मैं बोलूंगा मुश्किल से 600 रैंक या 625 रैंक तक जाएगा, पर 700 रैंक वाले भी कर दें चलेगा, पर 800-900 को नहीं मिलेगा। बट मेरी तरफ से आप फ्रीडम है, आपको केवल 550 रुपए ही जमा करने हैं तो भैया कर दो, वो सॉरी 400 रुपए जमा करने कर दीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस में 4 है तो जो जनरल का रूल है वही ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि टोटल 16+4 मिला के 20 ही हो रही, तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। बाकी देखो अप्लाई करने में मैं हमेशा बोलता हूं कर देना चाहिए, अगर मन में आ रहा है अप्लाई कर दो, वो आपकी श्रद्धा भक्ति है पर वो आपके ऊपर है। बाकी पीडब्ल्यू पीएचओ पीडब्ल्यूडी वालों की जो रैंक है मैं कहूंगा अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि होते ही कैंडिडेट कम है तो आपको कर देना चाहिए। यानी इन जनरल में बोलूं तो 600 रैंक तक जनरल वालों को या ईडब्ल्यूएस को मिलने के चांस है, 650 ओबीसी मान सकते हैं। ये मैं हायर साइड बोल रहा हूं, ये लोअर साइड तो मैं बताऊं 550 600 भी बंद हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और एससी एसटी वालों को 3-4 हजार रैंक तक के लिए फिल कर देना चाहिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है वो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है एमसीए क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी डिसिप्लिन, यानी आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है कि वन ईयर मैथ्स स्टैटिस्टिक्स ये कुछ भी नहीं है, पर एक्चुअल में जो निमसेट देते हैं वो इसी क्राइटेरिया वाले बच्चे देते हैं, तो ये बात आप याद रखिए। दूसरा, निमसेट 2022 के स्कोर वाले ही बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। कई बच्चे पूछा थे सर वो 21 वाले स्कोर वाले अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा निमसेट का स्कोर कब तक वैलिड है, निमसेट का स्कोर बस इसी साल के लिए वैलिड है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास निमसेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। आप सुनिए कुछ इंपॉर्टेंट बात कि आपको क्या करना है, आपने अगर पार्शियली फॉर्म सबमिट किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, विदाउट फॉर्म नंबर एप्लीकेशन, मतलब विदाउट द फॉर्म नंबर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, बी केयरफुल। आपको जो निमसेट का एप्लीकेशन नंबर मिला है वो आपको भरना है, और जब ये फॉर्म भरोगे तो इसका भी एक नंबर जनरेट होगा, ये लिखा देखिए, नोट डाउन द फॉर्म नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर फ्यूचर करस्पॉन्डिंग। आप जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरेंगे, कई लोग ये भी भूल जाते हैं, लास्ट ईयर भी 2-3 के साथ हुआ, तो आप भरने के बाद जो फॉर्म नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो उसको कहीं सेव कर लीजिएगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना जाए। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल, तो फी ज्यादा नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखिए। तो आपके जो क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए। आप सबको एक बात बोलूंगा, एनआईटी अगर आपको अलॉट हुआ है
तो उसको आप अभी इस भरोसे नहीं छोड़ सकते कि हैदराबाद और रायपुर में कौन बेटर है। मैं ये बात हमेशा बोलता हूं, अगर दोनों हाथ में फिर ये क्वेश्चन पूछोगे तो बता सकता हूं, फिर भी मैं आपको बोलूंगा एनआईटी टेक अच्छा टेक है। अगर आपको रायपुर, अगरतला, जमशेदपुर जो भी एनआईटी मिला है ऑलरेडी, अगर आप एडमिशन लॉक कर चुके तो मैं कहूंगा एनआईटी से पढ़ो। जिनको एनआईटी अलॉट नहीं हुआ है और जो एनआईटी की क्लोज रैंक पर जाके रुके हुए हैं उनको ही हैदराबाद मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। यानी पहले 15-16 लोग जो होंगे जहां पर जनरल की रैंक बंद हुई, यानी 600 के आसपास वाली या 550 के बाद वाली, वो वहां पर जनरल को मिलने के चांस हैं। उसके अलावा वैसे ईडब्ल्यूएस की केवल 4 सीट्स हैं, मैंने फिर बताया था, एक बार आप फिर ध्यान रखिए। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप में से कई लोग ये मान के चलना हैदराबाद में हजारों सीटें, भैया केवल 42 है, 16 जनरल, SC6, ST3, OBC 11। तो आप लोग पर अप्लाई कर दीजिए, 10 तारीख तक आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद वो लिस्ट निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू लिस्ट आपको एडमिशन लेना है, ये आपका डिसीजन होगा, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी रहा सवाल हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, इज अ बेस्ट ऑप्शन। अगर एनआईटी के बाद आपको हैदराबाद यूनिवर्सिटी मिलता तो बेस्ट ऑप्शन है, हैदराबाद के बाद HPTU मिलता बेस्ट ऑप्शन है, इसके बाद आपको IPU के स्टार्टिंग कॉलेज मिलते हैं, नो डाउट बेस्ट ऑप्शन है। आप लोग इस तरह से ध्यान रखिए, खुश रहिए, परेशान मत होइए, पूरे रूल्स रेगुलेशन ध्यान से पढ़िए और वही क्वेश्चन मत पूछिएगा जो मैंने सेशन में आपको बताया। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।